हाय दोस्तों, आपके लिए एक अनदर वीडियो लेके आया हूँ। जो कल का ट्रेडिंग सेशन रहेगा 18 जून, तो कल के ट्रेडिंग सेशन में देखेंगे कौन से रेट इंपॉर्टेंट निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए। चलिए अभी चलते हैं। निफ्टी ने जो क्लोजिंग दी 15,691 पे, 76 पॉइंट यहाँ पे देखे तो निफ्टी नीचे की तरफ क्लोज हुआ है। एडवांस डिक्लाइंस में देखे तो 13 एडवांस देखने को मिल रहे और 37 डिक्लाइंस देखने को मिल रहे। तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल ऑप्शन चेन एनालाइज करेंगे। ऑप्शन चेन एनालिस्ट के सबसे देखें कहाँ पे कॉल ट्रेडर पुट ट्रेडर सबसे ज्यादा देखने को मिल रहे। तो यहाँ पे निफ्टी जो क्लोजिंग दिए 15,700 के नियर बाय जो अभी एक्सपायरी हुआ है, तो उस एक्सपायरी के अगला एक्सपायरी जो रहने वाला है 24 जून, तो उसका अपन डाटा एनालिसिस करना है। चलिए चलते अभी 15,700 के लेवल पे। तो चलिए 15,700 का जो लेवल है तो यहाँ पे निकल कर आ रहा है। तो यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है 15,700 के लेवल, एक सेकेंड चलिए यहाँ पे देखते हैं। 15,700 का जो लेवल है यहाँ पे अगर देखे तो 20,000 कॉल राइटर यहाँ पे 22,000 है। अगर देखे तो 700 का लेवल यहाँ पे देखे, सॉरी 700 के लेवल से तो ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस देखे तो 15,700 का स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। नीचे की तरफ अगर सपोर्ट देखे 15,400 का सपोर्ट देखने को मिल रहा है, 7,000 पुट राइटर देखने को मिल रहा है। अगर नजदीक में देखे तो यहाँ पे 3,000 है, तो जो कि लेवल आ रहा है 15,600 का लेवल, तो उसके नियर बाय आज जाने की कोशिश की। कल अगर 15,600 का लेवल अगर ब्रेक करता है तो डायरेक्टली सडन डिफॉल्ट 15,400 के लेवल तक देखने को मिल सकता है। तो चलिए यहाँ पे देखा ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस देखे तो 15,700 का, नीचे की तरफ अगर सपोर्ट देखे तो 15,400 का सपोर्ट देखने को मिल रहा है। तो चलिए अभी डेली कैंडलस्टिक में देखेंगे क्या देखने को मिल रहा है। यहाँ पे देखिए अगर निफ्टी अगर देखे तो डेली कैंडलस्टिक में ऊपर की तरफ उसके लिए रेजिस्टेंस था 15,776, उसके नीचे यहाँ पे क्लोजिंग दिया है और अभी तक उसके लिए जो सपोर्ट निकल कर आया है जो कि 15,550 का लेवल है। यहाँ पे आ सकता है इस रेड कैंडल के लो तक यहाँ पे आ सकता है, यहाँ पे देखना पड़ेगा इसे सस्टेन करता है कि नहीं, यहाँ से फिर अच्छा खासा मोमेंटम। लेकिन स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट देखे तो 15,434 का, तो यहाँ पे नजर बना के रखने का। चलिए अभी निफ्टी 15 मिनट में देखेंगे क्या देखने को मिल रहा है। यहाँ पे मैं 15 मिनट का चार्ट लगा था और यहाँ पे लेवल्स देखेंगे कल के लिए कौन से लेवल है। अगर यहाँ पे क्लियर कट कहे तो एक अच्छा खासा जो बुलिश मोमेंटम है निफ्टी में वो खत्म हो चुका है, क्योंकि एक बुलिश मोमेंटम था उसके बाद ऊपर की तरफ सस्टेन किया और सस्टेन करने के बाद अभी उसने लोअर लो फॉर्मेशन चालू किया। तो यहाँ पे जब भी 15,625 के यहाँ पे नीचे क्लोज देते तो सुपर बियरिश आप रह सकते हैं। और अभी कल देखना पड़ेगा अगर 15,625 के नीचे आता है तो अच्छा खासा मोमेंटम 15,529 के लेवल तक देखने को मिल सकता है। और ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस देखे तो 15,734 का रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पे नजर बना के रहेगी। यहाँ पे इस रेजिस्टेंस के यहाँ पे कोई बियरिश कैंडल मिलता है तो छोटा सा स्टॉप लॉस लगा कि आप यहाँ पे सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, क्योंकि आप अभी देख सकते हो लोअर लो फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। अगर यहाँ पे मैं आपको लाइन चार्ट में देखो तो लाइन चार्ट में देखिए यहाँ पे एक लोअर लो फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है मार्केट में, तो एक अच्छा सा ट्रेंड रिवर्सल हो गया है। और जो मैं एक अपडेट वीडियो था तो मैंने कहा था कि मैं अभी बेयरिश हूँ मार्केट पे, अभी कोई मेरा व्यू अपसाइड नहीं। इसी तरह से मार्केट ने ऊपर की तरफ गया 900 के पास जाने की कोशिश की, लेकिन अभी लोअर लो फॉर्मेशन कर रहा है। चलिए अभी बैंक निफ्टी का व्यू देखेंगे। बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन एनालिसिस करते जो कि 24 जून का है। बैंक निफ्टी ने जो क्लोजिंग दी 34,600 के नियर बाय, तो चलिए 34,600 का लेवल की तरफ यहाँ पे मार्क कर देता हूँ। 34,600 का लेवल यहाँ पे ऊपर की तरफ अगर कॉल राइटर देखे तो 34,500 के ऊपर यहाँ पे 14,000 कॉल राइटिंग है, तो 34,000 अच्छा खासा रेजिस्टेंस के लिए बन सकता है। लेकिन सपोर्ट देखे तो यहाँ पे 13,000 पुट राइटर है जो कि 34,000 का लेवल है। तो नीचे की तरफ अगर सपोर्ट देखे तो 34,000 का सपोर्ट देखने को मिल रहा है, ऊपर की तरफ 34,400 का लेवल देखने को मिल रहा है। अगर स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिस्टेंस देखे तो यहाँ पे 18,000 तो 35,000 का लेवल रेजिस्टेंस के लिए वर्क करेगा। चलिए अभी डेली कैंडलस्टिक देखेंगे। यहाँ पे अगर बैंक निफ्टी का चार्ट देखे तो यहाँ पे बैंक निफ्टी के चार्ट में डेली कैंडलस्टिक देखे तो यहाँ पे डोजी कैंडल फॉर्म हुआ है और उसका भी सपोर्ट देखे तो स्ट्रॉन्गेस्ट 34,400 का लेवल यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पे मैं मार्क करके दिखा दो ये जो लेवल है, ये लेवल इसके लिए सपोर्ट के लिए वर्क करेगा। यहाँ पे इसको मैं डार्क कर देता हूँ और इसका कलर में पिंक कलर कर देता हूँ। हाँ, तो ये सपोर्ट है 34,400 के जैसे निकला गया तो डायरेक्ट 34,000 और उसको 34,000 के नीचे सस्टेन करता है तो डायरेक्टली सडनली फॉर यहाँ पे 33,000 की लेवल वर्क देखने को मिल सकता है। इस लेवल मतलब 33,560 के लेवल वर्क देखने को मिल सकता है। चलिए अभी 15 मिनट में देखेंगे क्या देखने को मिल रहा है बैंक निफ्टी।
अगर यहाँ पे देखे तो 15 मिनट में अगर बैंक निफ्टी के तो फर्स्ट ऑफ ऑल बैंक निफ्टी ने तो पूरा ट्रेंड चेंज किया कभी से निफ्टी ने बहुत दिनों के मतलब अभी ट्रेंड चेंज किया। तो यहाँ पे देखे 34,600 के नीचे क्लोजिंग दिया है अभी उसके लिए फिलहाल के लिए मेरे हिसाब से अगर यहाँ पे देखें तो 34,386 का सपोर्ट है और उस सपोर्ट को ब्रेक करता है तो सडनली फॉर 34,000 के लेवल तक देखने को मिल सकता है। लेकिन ऊपर के रेजिस्टेंस देखें तो 34,786 का स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। तो इन लेवल के साथ कल के ट्रेडिशन आप ट्रेड कर सकते हैं। कल एक अगले एक्सपायरी मतलब मंथली एक्सपायरी में एंड ऑफ मंथली एक्सपायरी में आपको ट्रेड करना पड़ेगा, एक मंथली एक्सपायरी है तो यहाँ पे नजर बना करेंगे लेवल देखिए और वहाँ पे आप ट्रेड कर सकते हैं। अगर कोई अगर कोई लेवल होता तो मैं मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको अपडेट करूँगा, जो उसका लिंक मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, जाके मेरे जाके टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना मत भूले, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। चलिए थैंक यू।